हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। इतने दिन मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया, लेकिन बीच बीच में कभी कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो मैंने क्लिप्स जो है वो शूट करके रख ली थी, तो अभी उसको मर्ज कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। तो ये जो टीवी आई है वो आई है पापा के रूम के लिए, क्योंकि पापा का रूम भी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे है, तो वहाँ पे टीवी की फिटिंग करवानी थी। वो लगवा दो ना, मेरे को ऐसा चाहिए कि वो ऐसा जो आता है ना, वो चाहिए। पापा के बेड की हाइट उतनी रखवाइए क्योंकि उनको उसकी आदत थी, तो इसलिए नीचे नहीं करवाया, क्योंकि हमारा बेड बहुत नीचे है, तो उसकी आदत पड़ने में हमको भी वक्त लगा, इसलिए पापा के लिए इतना ही लगता अच्छे ना। तो ये अभी कैसे यहाँ पे हुक लगवाएंगे, कलर सबके अच्छे ऐसे आएगा, सब अलग हट सब अलग कुछ बहुत अच्छे लगे, जल्दी हो जाएगा ना। हाँ यहाँ कुछ लगाओ। हाँ आएगा बहुत अच्छी लगी मुझे। यहाँ पे भी भूख आ जाएगा, सही बता ना दिल से, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। और फिर थोड़ा सा वक्त निकाल के हमने कबर्ड भी सॉर्ट किया, क्योंकि अब वो भी सॉर्ट करना है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कपड़े जो है वो सेट हो जाएं। और ये प्यारा रूहान देखिए, आजकल बहुत समझदार हो गया है, सीधा है, ऐसे क्रिप में रहता है, अपने दोस्तों को देखते रहता है, उनसे बातें करता रहता है। कितना शाला किया पहले बताओ, ड्रेस गंदा किया? नहीं। क्या कहा तुमने अभी? क्या कहा अभी? सन से बात कर रहा है। मैं ना जाऊं बात करने? क्योंकि वो चुपचाप लेता है, या तो फिर रोएगा तो फिर चुप कराना। ये तो गलत बात है ना यार,
अभी वो जगह है, मैं उसके पास जा रहा था खेलने के लिए, वो कुछ सन से बात कर रहा है, उसको बात करने दो। तो फिलहाल उसका शेड्यूल हो गया है इस टाइम पे, वो रोज ये वाला फील्ड लेने के बाद वो अपने सन से बात करता है। सन उसके जो आपने बताया था ना, उसके जो प्ले कार्ड्स हैं, उसके जो देखता है ब्लैक एंड व्हाइट, वो पर ये गलत बात है ना, आप मुझे ही रोक दोगे जाने से, और ऐसे रुकती है सन से बात कर रहा है। बहुत जोर से रो रहा था, अभी जस्ट मैंने लेटा उसके डायपर को चेंज किया, अभी उसको जनाब को डायपर बिल्कुल एकदम गंदा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए डायपर को चेंज किया है, लेटा है, अभी वो बातें कर रहा है। इससे मैं बोला मेरा नाश्ता आधे में बचा हुआ था, इससे मैंने बोला चेड़ना नहीं, ये वो वाला था। क्या हुआ बोलो, क्या हुआ, क्यों शक्ल बना रखी है ऐसी? मैं रो दूंगी, देखो मैं छेड़ो मत। क्यों क्यों बताओ क्यों? कुछ नहीं, देखो बताओ क्यों, मैं जवान देखने जा रहा हूँ इसलिए। देखने गए ना, तू देख लेना, मूवी देखने भी और घूमने भी, दुबई जाएंगे हम दोनों अकेले, और वहां से सबको वीडियो कॉल करेंगे, इंक्लूडिंग ये अभिषेक और अंकित, तो चलो बच गया, पर अगर वो होता तो वो भी जाता। देखो यू नो आई लव यू, लेकिन एसआरके की मूवी है, प्लीज आई एम सॉरी। ये भी आ गया है, ये सुबह एक्चुअली देख चुका है, ये हमेशा फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाता है, देख चुका है, बट अभी साथ में फिर चल रहा है, तो दूसरी बार जा रहा है। हाँ हम साथ में चलेंगे, हो गया रेडी, ठीक है, सॉरी यू नो आई लव यू, लेकिन ऐसा एनीथिंग फॉर शाहरुख सर। तो चलो मैं चलता हूँ, और मैं तुम्हें वहां से ऑब्वियसली बात है मैसेजेस तो करता रहूंगा, फोन पे बताता रहूंगा कैसे इंटरवल हुआ, अभी हुआ, कैसा हुआ, शाहरुख कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, मैं जब ओटीटी पे आएगी तब देखूंगी। ओपनिंग सीन के टाइम वीडियो कॉल कर लेना। तो रुक, चलो अल्लाह हाफिज़। लेकिन हाँ मिस करूंगा, जेनरली मिस करूंगा, कोई पहली फिल्म, पहली फिल्म जब से हम मिले हैं तब से ये एक बाय फॉल्ट था कि हम लोग कभी भी अकेले फिल्म देखने नहीं जा रहे थे, हम लोग ज्यादा मूवीज देखने जाते हैं नहीं। बाय रोहन, चले, यस चलो, डन डन, सही। राहुल को, हाँ वही मैं सोच राहुल, अरे लगा ही नहीं। क्या टॉपिक चल रहा है भाई, खाना क्या खाएंगे ये लोग, बोलो। आपको भी बोला खाने के लिए, मैं क्या खाओगे? मैंने आपको पहले बोले कि नीकू बेटा तो ध्यान देना, सर को पहले खिला देना कुछ ना कुछ। अच्छा तुम्हारा आज वो है ना फास्ट है, आज गुरुवार है, तुम बताओ बस वही सब खाएंगे, तो आई मिस यू। मैक पफ, वो बर्गर सब कुछ डाल के आते हैं, अभी भी चेकिंग हर पल बदलती है मुंबई, हर दिन में बसती है मुंबई। सेट हो गया सर, ये आपका स्टूडेंट, एक्साइटेड बहुत ज्यादा। Woo!
बाय बाय। चलो मजा आ गया। सोई नहीं? ये ठीक है, मिस किया तुम्हें अपन सच में। फिल्म का रिव्यू मैं सुबह दूंगा। काले कपड़ा पहने हैं, कितना सीधा हो गया है, रोता नहीं है। जरा जोर से बोलना, कैसी लगी मूवी? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। मतलब एक एक सीन, एक एक फ्रेम, क्या वो जो बुलेट में आता है वो पूरा एकदम ये चाहिए आपको, ये लो ये चाहिए आपको। यार मैंने अगली बार तेरी चिकन में जमाल गोटा मिला के तुझे खिलाया ना, तू देखना मेरे साथ बैठ के सुबह से तो जवान जवान की बातें कर रहे हैं। बहुत मजा आया, मजा आया। रुक जा बताती मैं तुझे, बहुत मजा आया। क्या बोल रहा बेटा, नेटफ्लिक्स क्या? नेटफ्लिक्स में आएगी ना बेटा? अभी कम से कम 2 से 3 महीने नहीं आएगी, 2 से 3 महीने अभी नहीं आएगी, है कि नहीं? है ना? हाँ, वो तो कहाँ से आएगी, अभी तो रिलीज, कल तो रिलीज हुई है, अभी कहाँ से आएगी। पर जेन्युइनली बोल रहा हूँ मैं, आप जो बोलो, पर एक्चुअल में अगर मैं बोलूँ ना कि कल मूवी जस्ट बिकॉज इस वजह से नहीं कि शाहरुख खान है, ऑब्वियसली शाहरुख खान का बहुत बड़े बड़े फैंस में से एक छोटे से फैन हम भी हैं, ये भी है, मैं भी हूँ, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। लाइक इमोशंस पठान के साथ बहुत जुड़े हुए थे, 4 साल बाद कम बैक था शाहरुख का चीज़ है, बट एक्चुअल में जेन्युइन में ये फिल्म बहुत अच्छी है। एंड शाहरुख खान को तो खैर मैं उनकी तो बाद में बात करता हूँ, जैसे फिल्म की मैं बात करूँ, चाहे वो एटलीस्ट सर का डायरेक्शन हो, मैंने पहली मूवी देखी है, मैंने कल स्टोरी भी लिखा उनकी, मैंने पहली मूवी देखी है, बट जेन्युइनली यार उन्होंने मुझे अपना फ़ैन कर लिया अपने डायरेक्शन से, अपने स्टोरी स्क्रीन पे हर चीज़ जो इतना ग्रिपिंग, इतनी चीज़ें, हर एक फ्रेम मासी लग रहा था दीप्पी, जेन्युइनली ऐसा फ्रेम, मतलब हर एक फ्रेम में कहते हैं ना कि आप, मतलब एक शाहरुख खान को ऐसे अवतार में आज तक नहीं देखा, पहले लोग बोलते थे पठान में नहीं देखा, पर जेन्युइनली इस अवतार में शाहरुख खान को आज तक नहीं देखा, और जो क्या चीज़ निकलवाई है, क्या चीज़ जिस तरीके से पोर्ट्रे किया है शाहरुख खान को एटली सर ने, माइंड ब्लोइंग। एंड उसके ऊपर से अनिरुद्ध म्यूजिक डायरेक्टर, लिटरली गूज बम जब म्यूजिक बजता है, यू नो एक कॉम्बिनेशन होता ना एटली सर का डायरेक्शन, फ्रेमिंग, शाहरुख खान सामने एंड बैकग्राउंड म्यूजिक, लिटरली गूज बम आ रहे थे, माइंड ब्लोइंग। ईच एंड एवरी कास्ट, जो उनका पूरा स्क्वाड था आज़ाद का, वो हर एक टेक्नीशियन, हर एक एक्टर का कमाल, दिख रही है मेहनत। यस, लास्ट बट नॉट लीस्ट SRK, सच में मतलब आपके अलावा मैं किसी को इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूँ इस मासी रोल में। एंड जैसे कि आपने खुद कहा है कि दैट यू आर द लास्ट ऑफ द स्टार्स, यस ट्रूली, तो सच है, मतलब ही इज द लास्ट ऑफ स्टार्स, मतलब जेन्युइनली कोई तोड़ नहीं है। सी, मैं किसी को ये चीज नहीं बोल रहा कि बाकी सब कुछ नहीं है, बट शाहरुख खान आई एम सॉरी गाइस, SRK है, ही इज द लास्ट ऑफ द स्टार्स, मतलब यार कोई नहीं कर सकता जेन्युइनली। बहुत बहुत मुबारकबाद दिल से आप सभी को, हर एक उस शख्स को जो इस जवान से जुड़ा हुआ है, छोटे से लेके बड़े से लेके हर एक उस इंसान को जो जवान से जुड़ा हुआ है, एक बार तो देखना बनता ही यार, एक बार तो देखना बनती है अच्छी मूवीज। कोई बात नहीं, आप 3 महीने बाद देख लो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शाहरुख सर प्लीज डू समथिंग, मैं थोड़ी दूर देखने वाले। कोई नहीं, तो हाँ यस, थोड़ा सा मैं बायस्ड भी हो सकता हूँ इस चीज़ को लेके, बिकॉज ऑफ बिल्कुल, और हक से मैं, मतलब शाहरुख खान सर के लिए तो यस मैं हो सकता हूँ, और मुझे वो हैं, सब जानते हैं कि मैं कितना उनको एडमायर करता हूँ, उनके काम को एडमायर करता हूँ, उनकी पर्सनैलिटी को एडमायर करता हूँ, तो यस ये है। तो अभी है दीपिका बाहर बालकनी में, उस वाले रूम में, कल से थोड़ा सा मुझे भी अजीब लग रहा है, तो क्यों एक काम करते हैं हम उसको एक थोड़ा सा यू नो कंपनसेट करने के लिए हम उसको एक ऑफ़र देते हैं कि चलो तुम कुछ प्लान करो, मैं तुम्हें कहीं लेके चलता हूँ, तो इसी बहाने उसका घूमना भी हो जाएगा और मेरा थोड़ा सा गिल्ट जो है वो कम भी हो जाएगा। क्या कर रही है यहाँ?
चलो कोई नहीं, होता है कभी कभी यार, होता है, जाके देख ली मूवी भी, क्या दिक्कत है, है ना? तो हंसी मजाक में ठीक है, ठीक है, कोई बात कौन सा मेरे पास ये बोलने के अलावा कोई ऑप्शन है? देखो मैं फिल्म देखने गया, कोई दिक्कत नहीं वाली बात, मतलब हाँ ठीक है, शाहरुख खान की फिल्म थी तो मैं कॉम्पनसेट करने को तैयार हूँ। पीछे भी फ्लोरिंग की लास्ट सफाई चल रही है, क्लीनिंग मिलता रहेगा, मतलब मिलता रहेगा नहीं मतलब मिल जाएगा, तो अभी देखो डिसाइड करो। मैं ही डिसाइड करूं, मतलब हां मतलब अगर मैं ही डिसाइड करूं, अगर तुम्हें कहीं आउटिंग पे चलना है, कुछ करना है तो हां तो आप ही चलो यहां पे या बाहर। देखो बाहर अगर मेरा मुंह खुलाओगे तो एक ही शब्द निकलेगा जो आपको पता है, तो है हम इसको लेके जाएंगे, थोड़ी बारिश कम हो तो फिर जहाँ आप डिसाइड करोगे हम वहाँ लेके चलेंगे। ये मेरी तरफ से एक भरपाई इतनी तो हो सकती है कि क्या बात है, शाहरुख सर ऐसी तीन चार फिल्में और निकाल दो। एनीवेज गाइस अभी तो फिलहाल टाइम है, कुछ नहीं अभी तो फिलहाल ये बारिश वगैरह जो है वो चीज़ें हों, और थोड़ा सा रूहान उससे पहले रूहान का फेस रिवील करना है कि घूमने जाना कब बनता है कब नहीं होता है, कैसे क्या जो भी होगा वो आप सबको बता देंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसका कम्फर्ट है, रूहान का कम्फर्ट है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल ये था व्लॉग, कोई इस बार मैंने डेट भी नहीं डाली है क्योंकि इस बार ऐसे ही शूट कर लिया, बस जो जो चीज़ें हुई कि मैं आपको दिखा दूँ बता दूँ तो उसको आप देखिएगा, इंशाल्लाह फिर से मैं नया व्लॉग बनाऊँगा आज या कल जैसा भी होगा मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह, तो मैं आपको दिखाऊँगा बताऊँगा। और ये सारा अपडेट है, घर भी ऑलमोस्ट रेडी होने पर है धीरे धीरे, मैं वेट मुझे वेट नहीं हो रहा होम टूर मैं कब दूँगा आपको, दे पाएंगे हम आपको, तो वो ये सारी चीज़ें हैं, तो जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी है ये सही चीज़ गलत चीज़ नहीं करेंगे, उसको प्यार कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, उनके साथ वक्त बताइए, हंसी मजाक कीजिए, बस प्यार करो, खुश रहो, खुश रहो, लव यू गाइज़।